वेलकम बैक टू गीक स्टैको फ्रेंड। जैसे कि मैंने दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी स्निफिंग की, उसका जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसी का पार्ट वन है वो। उसके अंदर मैंने थ्योरी बताई थी स्निफिंग के बारे में और एक प्रैक्टिकल समझाया था एक टूल के बारे में, वाई शार्क, जो विंडोज के ऊपर था। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काली पे है, काली ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने इंस्टॉलेशन बताया था इसका। और बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैकिंग एंड फॉरेंसिक्स के लिए ही होता है और मेन नेटवर्किंग के लिए भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो टूल्स मैंने बताए थे TCP डंप और इथर कैप, जो बताने जाऊंगा अब मैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो TCP डंप है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है काली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और जो दूसरा टूल मैंने बताया इथर कैप, वो भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टली अगर मैं TCP डंप लिखता हूँ तो स्निफिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसे मैं ब्राउजर ओपन करूंगा तो स्निफिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर ये देखिए, ये स्निफिंग स्टार्ट हो गई। पर एक चीज मैंने कल जो भी मैंने अगली पहली वीडियो जो अपलोड करी थी, पार्ट वन था, उसके अंदर एक चीज बताई थी कि पहले अपन को इंटरफेस जानना पड़ता है कि आपका इंटरफेस क्या है। तो वैसे ही इसके अंदर भी अपन को इंटरफेस पता करना पड़ेगा। TCP डंप डैश डी, ये सिंपल कमांड है इंटरफेस के लिए, एंटर करिए। यहाँ पे आपके बहुत सारे इंटरफेसेस आ चुके हैं, मैंने उसमें बताया था जो रनिंग होगा वही स्टार्ट होगा। मतलब जो भी स्निफिंग का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको पहले इंटरफेस चेक करना ही पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। आपको मेन जो भी स्निफिंग कर रहे हो आप एक नेटवर्क के अंदर ही कर रहे हो, विदाउट अदर नेटवर्क या विदाउट नेटवर्क नहीं कर रहे हो। तो मेरा जो नेट इंटरफेस है वो 0 है। तो मैं अगली कमांड लिखूंगा स्निफ करने के लिए इसी इंटरफेस पे, TCP डंप डैश आई 0 स्पेस। अब जैसे ही मैं ब्राउजर ओपन करूंगा स्निफिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, मैंने उस पर क्लिक किया और स्निफिंग स्टार्ट हो चुकी है। दो ब्राउजर ओपन हो गए स्निफिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप ये स्निफिंग कहीं भी कर सकते हैं, जैसे पर्टिकुलरली आप रेलवे स्टेशन पे कर रहे हैं या एयरपोर्ट पे कर रहे हैं, तो आप कहीं भी स्निफिंग कर सकते हैं। ऐसे किसी को पता नहीं चलता है कि आप स्निफिंग कर रहे हैं और पता चल रहा है किसी को कि यार नहीं कोई कुछ छेड़ रहा है सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। आप साइलेंटली डेटा अपने सिस्टम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, बस यही एक कारण है स्निफिंग का। ठीक है, सेकंड कमांड लिखते हैं। सेकंड मैं इसमें बता देता हूँ कि TCP डंप की लूप होल क्या है, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ओल्ड वर्जन है और इसको पहले यूज लिया जाता था कि स्निफिंग होती कैसे है बताने के लिए। क्योंकि जो TCP डंप है वो कोई भी डेटा फिल्टर नहीं करता है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में देता है डेटा, डिक्रिप्ट फॉर्म में नहीं देता है। तो यही इसका एक कारण है जो ये ओल्ड हो चुका है, इसलिए वाई शार्क और जैसे इथर कैप जैसे सॉफ्टवेयर्स अब अपग्रेड चल रहे हैं। और बेसिकली जो कंपनीज है यही चीज मांगती है, TCP डंप बहुत कम लोग पूछते हैं। TCP इसकी कमांड हो जाता हूँ TCP डंप डैश एक्सएस डैश आई WLAN 0। अब जैसे मैं कमांड लिखूंगा तो फिल्टर जैसे जैसे पैकेट दिखते जाएंगे उस पैकेट को ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में लाता जाएगा, मेरे को कोई अदर कमांड लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये जो लैंग्वेज है वो हैक्स और ASCII कोड के अंदर है, तो डायरेक्टली आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं, बस वही चीज है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वाई शार्क के अंदर आपको कोई ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, आपको डायरेक्ट कमांड डाली और आपने डायरेक्टली डिक्रिप्ट फॉर्म में आपको मिल गया। बेसिकली ये भी HTTP पे ही काम करेगा, HTTPS पे नहीं करेगा, उसके लिए आप इथर कैप यूज करेंगे, वो मैं बताऊंगा मैं। अब मैं सेकंड कमांड लिखता हूँ जिसके अंदर जैसे पर्टिकुलरली मेरे को HTTP प्रोटोकॉल सर्च करना या TCP के सारे प्रोटोकॉल्स स्निफ करने, तो बेसिकली वो कमांड यूज करेंगे अपन। TCP डम डैश आई WLAN 0 देन TCP, TCP मीन्स सॉरी TCP डम्प आएगा यहाँ पे, TCP मीन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बेसिकली ये टूल है ये भी TCP पे ही काम करता है, UDP पे करता ही नहीं है। ये देखिए आप, जितने भी प्रोटोकॉल्स है TCP के सारे इसने स्कैन कर लिए हैं। बेसिकली जो भी TCP डम्प पूरा टूल ही कमांड लाइन है बेसिस है, और जो मैं अभी इथर का बताने जा रहा हूँ वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ये खत्म हो चुका है, इतना ही था, अब दूसरा स्टार्ट करते हैं टूल। डायरेक्टली आपको मैंने बताया कि इनबिल्ट है वो, ऑलरेडी आपको स्निफिंग फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा। ये रहा, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो, मैक चेंजर, MITM प्रॉक्सी, नेट स्निफ, बेसिकली वाई शार्क भी इसमें इनबिल्ट है,
तो आप इधर यूज कर सकते हो वाइशाक इजीली। ईथर कैप इसलिए बता रहा हूँ कि ईथर कैप का जो काम होता है वो ऑलरेडी वो ऑलवेज ही पासवर्ड स्निफिंग करता है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करता है। उसका मेन काम ही पासवर्ड स्निफिंग है और डीएनएस स्पूफिंग, ये दो इसके मेन काम है जो ये करता है ईथर कैप। और ये आप दिमाग में आ रहा होगा कि पासवर्ड स्निफिंग तो सबको करता होगा। हाँ, फेसबुक, जीमेल, जितनी भी साइट्स है, चाहे वो HTTPS हो, सारी साइट्स का पासवर्ड स्निफिंग करना ईथर कैप का काम होता है। और ऐसे किसी को पता नहीं चलता कि आप स्निफ कर रहे हो। मैं आपको पहले बताता कि स्निफिंग का किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि स्निफिंग साइलेंटली होती है। तो स्टार्ट करते हैं, ये इसकी होम विंडो है। कुछ नहीं करना अपन को, स्निफ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो स्निफिंग आएगी, यूनिफाइड स्निफिंग एंड ब्रिज स्निफिंग। अब इसका मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली यूनिफाइड स्निफिंग जो होती है वो एक नेटवर्क में रहकर, जैसे मैं अभी एक नेटवर्क में हूँ, वैसे ही एक नेटवर्क में रहकर यूनिफाइड स्निफिंग होती है। एंड ब्रिज स्निफिंग, ब्रिज स्निफिंग मीन्स अदर नेटवर्क्स में, अगर आप अपना वाईफाई चला रहे हो और आपका दोस्त का वाईफाई 10 किलोमीटर दूर चल रहा है, तो वहाँ पे स्निफ करना वो ब्रिज स्निफिंग होती है। तो दोनों में एक डिफरेंस है। अभी अपन यूनिफाइड करेंगे, यूनिफाइड पे क्लिक करते हैं अपन। यहाँ पे जैसे कि बताया, हर टूल के अंदर इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें ये होता है कि आपको होस्ट चेक करने पड़ेंगे, कितने कनेक्टेड होस्ट हैं। बेसिकली मेरा आईपी एड्रेस नहीं आएगा क्योंकि इसको पता है मेरा आईपी एड्रेस, तो मेन राउटर का आईपी एड्रेस आएगा, क्योंकि राउट ये डायरेक्टली वो स्निफिंग कर रहा है जो पैसिव है। आपको पैसिव और एक्टिव समझने के लिए पार्ट वन देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें थ्योरी है। तो आप पहले पार्ट वन देखिएगा, उसके बाद पार्ट टू देखिएगा। वैसे ही होस्ट पे जाएंगे हमें, स्कैन फॉर होस्ट, वन होस्ट एडिड टू द होस्ट लिस्ट। एक होस्ट जिसको मिला है वो चेक करता हूँ कौन सा है। होस्ट लिस्ट मेरा राउटर का आईपी एड्रेस, मेन ये जो मेरा राउटर है जहाँ से मैं अपना इंटरनेट रन कर रहा हूँ उसका आईपी एड्रेस है। तो बेसिकली उसका मैक एड्रेस भी आ गया है। तो वैसे ही ये जो भी स्निफ करेगा पूरे सिस्टम्स पे करेगा, जितने भी नेट इसके सिस्टम जुड़े हुए हैं जितने भी इस राउटर से, तो सबको स्निफ करेगा। तो अब मैं जाता हूँ MITM में। MITM मीन्स मैन इन द मिडल अटैक, मैन इन द स्निफिंग जो होती है उसका दूसरा नाम ही MITM होता है फ्रेंड्स। क्योंकि मैन इन द मिडल अटैक हो गया कि अटैकर क्या कर रहा है, जितने एक नेटवर्क में घुस के सबको स्निफ कर रहा है। बेसिकली वो मिडल है यार, आप देख सकते हो ना, क्लाइंट और सर्वर का बीच का पार्ट है वो, इसलिए मैन इन द मिडल अटैक्स का नाम दिया गया है। और अपन इसमें अटैक करेंगे, जो स्निफिंग पे एक अटैक करेंगे वो ARP होगा। ARP बैकहैंड चलता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जैसे HTTP है, HTTPS है, ये एक प्रोटोकॉल्स है, वैसे ही ARP एक प्रोटोकॉल है जो स्निफिंग के लिए यूज होता है। तो अपन इस पर क्लिक करेंगे, ये पूछेगा स्निफ रिमोट कनेक्शन। हाँ, जितने भी रिमोट कनेक्शन है सबको स्निफ करिए। ओके, स्टार्ट हो चुका है। अब डायरेक्टली अपन को ब्राउजर ओपन करना है, एंड यहाँ पे कोई ऐसी साइट चलानी है जो एडमिन लॉगिन हो। मैंने जैसे कि बताया था कि ऐसी साइट ही स्निफ होगी जो एडमिन लॉगिन हो, क्योंकि बेसिकली इसका काम होता है पासवर्ड स्निफिंग। ठीक है, तो मैं एक साइट है जो टेस्टिंग साइट है, और मैं ऐसे फेसबुक नहीं चला सकता हूँ, मेरे पे केस हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे नहीं बता सकता। तो डायरेक्टली मैंने टेस्टिंग वेबसाइट ओपन करी है, साइन इन करा, यहाँ पे ऑलरेडी एडमिन यूजर नेम दे रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे एडमिन लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर किया, ये रिलोड हुआ, इस साइट ओपन हो गई क्योंकि ये टेस्टिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं UID एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन, डायरेक्टली इसने पासवर्ड स्निफ किया। और ये देखिए कि HTTP है वो, HTTPS नहीं है। HTTPS भी करता है जैसे मैंने बताया था, उसके लिए आपको एक टूल यूज करना पड़ेगा SSL स्ट्रिप, उसकी वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा। और एक और वीडियो है IP फॉरवर्डिंग, इन दोनों की वीडियो आगे अपलोड होगी। तो बेसिकली जो ईथर कैप है वो ग्राफिकल वर्जन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एंड TCP डम कमांड लाइन है। और बेस्ट, सबसे बेस्ट मेरी तरफ से तो वाईशाक ही है। और ईथर कैप, क्योंकि मेन ईथर कैप का स्निफिंग करना नहीं होता, एक पासवर्ड स्निफ करके ला रहा है, वो कुछ भी स्निफ नहीं कर रहा है। और एक इसका काम है DNS स्पूफिंग, दो काम मैंने बताए इसके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।